still drive me crazy. Hey. हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हालचाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे एक पिंपल है जो कि मुझे बहुत पेन दे रहा है, तो मैंने उस पर क्लीन एंड क्लियर का सिलिसिलिक वाला स्पॉट ट्रीटमेंट लगा लिया है। उससे कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, पर ठंड पड़ गया मैनू कि कुछ तो लाया, क्योंकि ऐसे मैं रह नहीं पाती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो ऑपरेट करना ही होता है उसको। सो यस, व्लॉग स्टार्ट करने के लिए काफ़ी देर हो चुकी है, पर यस मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। उम्मीद है कि फिनिश कर पाऊंगी, क्योंकि मैं मेरा चैलेंज ले रही हूँ एवरीडे व्लॉग करने का। Yes, let's do that. Yeah, you made a perfect 5. Good job. So it looks like 1 because I just drew it in there. Yeah, your 5 is so clean, Mimi. Good job. Okay. 6, 7, 8. Good job. So हिम्मत कर रहा है उसके numbers आज and लिखने की practice. Wow, Mimi, your 8 is very clean. And this is 5. All right, दोस्तों, तो समय है हिम्मत के स्कूल का, लाइक होम स्कूल का। मैं हिम्मत को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको मैं नंबर्स की प्रैक्टिस करा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, उसके बाद कुछ स्पेलिंग्स करेंगे हम, और हम नंबर्स को लिखना भी सीख रहे हैं। 1, 2, 3। समय हो चुका है 3 ऑलरेडी। So the number one is I have a dog. So one, you have to say dog. But if there's two, what are you gonna say? Dogs. Yeah. So it's one. It's a D-O-G dog. If it's two, D-O-G-S dogs. Okay? Dogs. 100 dogs. Like 100 dogs, 2 dogs, 3 dogs, whatever. But it's dogs. Okay. Mm-hmm. 4. Apples. Apple. Yeah, you're right. Look at this, guys. Mimi is learning words now. I draw them. Mimi wrote house, kitten, flower and pony. Very Nobody good. Nobody tell me and I didn't even mind. Oh, it's a lucky. And what about me? I'm telling you. No, I didn't even myself. Good job, Himan. Okay, now we're gonna do next chapter. पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इज ग्रेजुएट नाउ, और अब मैं आई हूँ। मेरी एडिटिंग को फिनिश किया है मैंने, एडिटिंग फिनिश हो चुकी है, 5 बज गए हैं ऑलरेडी, और सारा दिन ऐसे कामों में निकल गया है मेरा, बहुत व्यस्त रही मैं आज। और हस्बैंड ऑलरेडी घर आ चुके हैं, पर वो बाहर ही बैठे हैं, पता नहीं क्यों नाराज़ हैं वो या क्या हुआ है उन्हें, वो अंदर नहीं आ रहे। एक्चुअली शायद वो किसी से फ़ोन पर शायद आ गया। यस, आज हिम्मत ने किया है एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट। मिमी, तेनु एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट बढ़िया लगा? एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग और माइनसिंग और माइनस, या दैट मीन कट, कट पीपल फ्रॉम योर लाइफ। व्हाट इज 5 + 5? ओके, आज मिमी ने माइनस एंड प्लस सीखा है दादी। दोस्तों, तो हमने डिनर कर लिया है, समय हुआ है 7 o'clock। डिनर हमारा सही टाइम पे हो गया, ये मेरा पहला मील था दिन का, और अब हम थोड़ी देर में वॉक करने के लिए जाने वाले हैं। और डिनर के लिए हमने कुछ भी नहीं बनाया, किन्ने दिन आदि पुरानी सब्जियाँ के साथ ही रोटी खाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पुरानी सब्जियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, एंड ही इज अ वेरी हैप्पी बियर राइट नाउ। गाइज, मैं अपने आपको हस्बैंड को दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तितली बन के बैठे हुए हैं। दिखाना बहुत ना। ओके, तो मैं आपको अपना फूड वाला एरिया दिखानी है। उठाया नहीं अभी मैंने ये, मैंने सैलड खाया, पुरानी सब्जी, एंड मिमी ने पता नहीं सीरियल खाए हैं, तो क्लीन अप करना है यहाँ से। सॉरी दोस्तों, तो आपको मिले हैं आज देखने के लिए खाली पड़े सामान को थोड़ा सा समेटा है मैंने, और मैं अपस्टेयर्स आ गई हूँ मेरे कपड़े चेंज करने के लिए। उसके बाद हम लोग वॉक के लिए जाएंगे। वॉक पे जाने के लिए मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, लाइक पेन है मेरी बॉडी में, पर थोड़ा सा मैं स्पेंड करते हैं आउटडोर, क्योंकि बाहर जाके कई बार अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, पर कई जगह पेन है आज। पर यहाँ थोड़ा सा कम्फी कपड़े पहनती हूँ, वॉक के लिए जाते हैं, और देन देखते हैं जिंदगी में और क्या करेंगे। मैंने कितने सारे फैब्रिक इकट्ठे कर लिए हैं दोबारा, और सिलाई का काम हम कल सुबह से ही शुरू करेंगे, क्योंकि जिस सूट को मैं पेंट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं पहले सिल लूँ जैसे भी मुझे चाहिए, और पेंट मैं बाद में करूँ, क्योंकि पेंट करके सिलना नहीं चाहती मैं। सिल के पेंट करना इज गुड, कि आपको पता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, क्योंकि सूट ऑलरेडी बन चुका है।
सो ये करेंगे. और जो मैं दुपट्टे का कपड़ा लेके आई हूँ, फैब्रिक लेके आई हूँ, एक्चुअली वो दुपट्टा नहीं है, वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है. और वो है जो वो मेरे फैब्रिक से थोड़ा सा अलग है, लाइक ना ऑफ वाइट नहीं है, थोड़ा सा वाइटिश है. पर यार हुन की करिए, मिल ही नहीं रहा है कोई फैब्रिक. ये कोरोना की वजह से किसी के पास भी नई डिलीवरी नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे, इसी के साथ जिएंगे. सो ऐसे ही मैनेज करते हैं, और क्या करना है. मैं आपको दिखा देती हूँ वो फैब्रिक कैसा है. ऑलराइट दोस्तों, यो जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है वो ऐसा है. ये इसका मैं दुपट्टा बनाऊंगी और इसे पेंट करने वाली हूँ मैं. और इसका जो चौड़ाई है, लाइक अर्ज है, वो बहुत ज़्यादा है. और उसको मैं काटने वाली हूँ, हाफ करूँगी, क्योंकि मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए. और ना बड़ा दुपट्टा तो संभाला भी नहीं जाता है. सो मैं इतना करूँगी उसको, और उसके बाद उसको इंटरलॉक कर लेंगे एंड देन इस पे पेंट करूँगी. और मैं फैब्रिक लेके आई हूँ सेम, क्योंकि और मेरे दिमाग में प्लान आ रहे हैं कोई, दिस वन. और एक मैंने फैब्रिक लिया है बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाइट, जिसपे एम्ब्रॉयडरी है और कई कुछ है. और इसके भी मेरे दिमाग में कई सारे प्लान आ रहे हैं कि मैं इसका शर्ट बना लूँ. शर्ट मतलब कि कमीज, लाइक सूट का टॉप बना लूँ, और इसे मैं प्लेन प्लाजो के साथ पहन सकती हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा मटेरियल है, इसमें एम्ब्रॉयडरी है. और इसकी आर्म्स बनाने के लिए मैं नेट का फैब्रिक लेके आई हूँ, क्योंकि उसमें से आर्म्स नहीं निकलेंगी. और यस, ये है वो. और इसके साथ जो मैं अर्लियर दुपट्टा लेके आई थी, वो इसके साथ मैच कर सकता है. लाइक डिजाइनर जी के दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन एंड कलमला चल रहा है. आई होप ये डिजाइनर जी अच्छा कुछ क्रिएट करेंगे. और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं. एस्ट्रोलॉजी का है कि मैंने बहुत सारी सर्च की एस्ट्रोलॉजी, स्पेशली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वो बहुत लाइट है और हार्श नहीं है. और जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो थोड़ी हार्श है आप पे, लाइक वो सीधा चीज़ें बोल देती है, और कई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती हैं, और जो मुझे नहीं अच्छा लगता है. वैसे तो डरने की ज़रूरत नहीं होती आपको, बट उसमें काफ़ी चीज़ें स्ट्रेट हार्श लैंग्वेज में लिखी गई हैं. पर यह मैंने दोनों पे वर्क किया, और मेरी एस्ट्रोलॉजी में जो भी मुझे मिला वो सारा इससे रिलेटेड था कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हूँ, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को तोड़ मरोड़ के जोड़ सकती हूँ. लाइक बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था. और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उस पर सर्च कर सकते हैं. आपको क्या जानना होता है कि आपका सन साइन क्या है, आपका मून साइन क्या है, और आपका राइजिंग साइन क्या है, क्योंकि ये तीनों साइन मिलके आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं. अगर आप सोचें कि मैं वर्गो हूँ और आप भी वर्गो हैं, पर आप में वर्गो जैसी कोई ट्रेड नहीं है, लाइक आप ऑर्गेनाइज नहीं है, परफेक्शनिस्ट नहीं है, या आप चीज़ों को बहुत ही जोड़ जोड़ के नहीं रखते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि आपका मून साइन डिफरेंट होगा और आपका राइजिंग साइन डिफरेंट होगा. क्योंकि मून साइन है जो वो आपका रियल इमोशंस एंड कोर सेल्फ है आपका. राइजिंग होता है कि आप बाहरी दुनिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और बाहरी दुनिया के सामने कैसे उभर के आते हैं. यूजली वर्गोज इंट्रोवर्ट होती हैं और मैं इंट्रोवर्ट हूँ, पर मेरा राइजिंग साइन है लियो. और जो लियो होते हैं उनको दुनिया के सामने आना बहुत अच्छा लगता है. उनको वो चाहते हैं कि उनको लोग सुने, और उनको अपने आप को बाहर दुनिया के सामने प्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता है. इसलिए बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि तुम वर्गो हो तो इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हें वीडियोज़ बनाना कैसे अच्छा लगता है. मे बी उसी वजह से, क्योंकि मेरा राइजिंग साइन है जो उसे पब्लिक के सामने आना अच्छा लगता है. और मुझे हमेशा से ही मन था कि मैं कुछ ना कुछ करूं कि मुझे सारे लोग देखें. सो या ये उसकी वजह से ऐसे कई सारी रिलेटेबल चीज़ें मुझे वहाँ पे मिली जो अचंभित कर देती हैं मुझे, और इंटरेस्टिंग थी. और अगली एक और चीज़ इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि उसमें लिखा हुआ है कि मुझे रूमेटिज्म से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो जाएगी, और दैट्स सो स्ट्रेंज, और वो हो गई है. और वैसे ये ज़रूर है कि अगर आप अपनी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना चाहें या देखना चाहें या किसी से पूछते हैं तो पूछें, पर उस पर अंधविश्वास बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपकी जो पावर है, लाइक आप है जो, वो मेडिटेट करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं दुनिया में कुछ भी. लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ मैं, और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें. ये नहीं माने कि आपको एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ें पता चल गई, अब बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि अब तो यही होगा, या ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपनी एस्ट्रोलॉजी को टोटली चेंज कर सकते हैं. अगर उसमें सारा डिज़ास्टर लिखा है तो आप उसको टोटली अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि वो पावर आप में है. सो हर एक इंडिविजुअल में अपने एस्ट्रोलॉजी को चेंज करने की पावर होती है. अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलेगी, पर अगर आप अपने एक्शंस को चेंज कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से चलेगी, अगर आप जैसा चलाना चाहते हैं. सो मैनिफेस्ट करें, सारी चीज़ें चेंज हो जाए. सो मैं अपनी हेल्दी लाइफ मैनिफेस्ट कर रही हूँ आजकल.
कोशिश है कि अपनी लाइफ को मैं बैक टू ट्रैक लाऊं और ये करेंगे हम. अब मैं तैयार होती हूँ क्योंकि गल्ला मुझसे मुकेंगी नहीं. तैयार क्या होना है, थोड़े से कपड़े चेंज करते हैं, वॉक के लिए चलते हैं. चलिए दोस्तों लेट्स गो. शाम की सैर करने के लिए जा रहे हैं. हिम्मत अपने टशन वशन कर रहा है और मैं पहनने वाली हूँ शूज और वॉक करेंगे. जाने के लिए थकावट है पर जाएंगे करेंगे. No one knows I'm acting. Every time they're asking, make them believe that it's all good. Faking smiles and laughing, playing like I'm happy all the time. The girl who can do everything. सो ब्यूटीफुल रास्तों से गुजरते हुए धीरे धीरे हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं. यहाँ पे हिम्मत कुछ कर्तव्य दिखाएगा. उसे बहुत अच्छा लगता है अपने स्कूटर पे कुछ ना कुछ करना, या फुटबॉल से, या हमें कहता है कि हाइड एंड सीख खेलो, एंड या फिर टैग टैग. सो या अब हम यहाँ पे थोड़ा समय स्पेंड करते हैं थोड़ा. पर मुझे अच्छा लगता है कि वो माउंटेन्स की तरफ वॉक करना, मुझे वो वॉक बहुत ज़्यादा पीसफुल लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है. और वॉच हिम ही व्हाट ही इज डूइंग. वो मीमी बम्प के थ्रू चला गया. दैट्स सो अमेजिंग. सो या दोस्तों मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि बाहर वॉक करने ज़रूर जाया करें. बाहर हम वॉक करने एवरी डे जाते हैं. जब मेरे हस्बैंड ऑफिस नहीं जा रहे थे तो हम वो माउंटेन्स वाले एरिया में, पार्क्स में ज़रूर जाते थे. पर अब या हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा सा समय बाहर स्पेंड करें, लाइक 30-40 मिनट्स की हम वॉक करते हैं. पर उन जो हम मेजोरिटी समय पति फ़ोन पर लगाते हैं. कोई गल But do you wanna add up something? Quickly, Daddy Bob. Quickly. Quickly, add कर दो. की add करा? कि तो ये बार सारा करना है, phone आते लग रहने हैं. और काम धंधा भी करना होता है साथ में साथ. And you watch phone forever. You play. Okay. So हिम्मत अब करेगा कर्तव्य. मिमी show. Attention everybody, look at my move. देना धंधा अपना. Excuse me, ये तो बहुत ज्यादा डांसी नहीं होगी तेरी. Mimi, I love you, Mimi. Me too. Mm. Thanks for watching my channel. And first, subscribe and hit the bell or unsubscribe. Unsubscribe, Mimi. And hit the bell, hit the subscribe button. And follow me on Instagram, even my mommy's. 1 million Mimi family. And I love you guys. And more, we're gonna make more videos and mommy's. Yes. We want. सो या यूजली हम इस एरिया में आके फ्रिस्बी के साथ प्ले करते हैं, या फुटबॉल के साथ, या हाइड एंड सीक प्ले करते हैं. पर आज मेरे में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि इनके साथ मैं हाइड एंड सीक या टैग प्ले करूँ, क्योंकि टैग में हिम्मत बहुत भगाता है. सो ऐसे ही मैं वॉक करना चाहती हूँ, पर हस्बैंड के फ़ोन आ रहे हैं उनके ऑफिस से, पता नहीं उनके बेचारे के काम उनको पीछे नहीं छोड़ते हैं. तो वो बिजी हैं अभी. वो एक्चुअली मेरी वेट कर रहे थे. आई लेट्स गो एंड चेक ऑन हिम. यार कोई देखता है मेरे वाले. ओके, आई एम गोना शो यू. Those people are watching on me like what the hell. So yeah, patti ko le liya. Pata nahi hote khad ke logo ki game ma dekhde rehnde ha aur chahnde ha ki main bhi play kar la. Pata nahi ki kar de. Nale oh idda hai apne aap. Aao. Tu hi hote khad ke ki bolwa mangu ek khande sabdiyan game ma. Cricket nahi dekhde ha. Je to bhi tu vekhde do bande play kar rahe hunde. Guys. Na. ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਲੇ ਖੇਲਣ ਦੇ ਗਾਇਜ਼ ਉਹ ਦੋ ਵੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬੂ Yes, I wanna see you, Adam. So yeah, यहाँ पे बहुत crowded है जिस area में हम play करते हैं, पर आज हम other way जाने वाले हैं. Piddi, चल चल चल. Leave him alone. Get the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes.
don't stop looking at me now. I know you don't care as much as I do, but I'm just content with me next to you. Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. No, you don't get it. हिम्मत चेक कर रहा है अपनी फसल बीन्स की, सोयाबीन। तो हमारे यहाँ पे खेती होती है सोयाबीन की और छलियाँ और एप्पल्स और स्ट्रॉबेरी और ओके मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है पर यहाँ होती है यहाँ पे सारा। सो हम लोग अपने खेत देखने आए हैं कि सारा काम सही होंगे पे कि नहीं। गाइज उतो लै के जिथे तक थोड़ी नज़र जाती है ना उथे तक ये ज़मीन अपनी तो है नहीं। सो यार शाम हम यहाँ पे स्पेंड करते हैं अपने खेतों को, मतलब लोगों के खेतों को देखते हुए और यहाँ पहाड़ी को देखते हुए, और यह मज़ेदार सनसेट हो रहा है, कितना पीसफुल है दोस्तों। कंग्रेचुलेशंस सुमारी फैंस। घर से निकलने से पहले मैंने यहाँ पे दवाई लगाई थी, ये जो पिंपल आया है, पर वो बड़ा ना उतर गई दोस्तों। और मैं एक ना पिंपल पैच लगाती हूँ मेरे पिंपल्स पे, जो पता नहीं काम करते हैं या नहीं, पर दिल को सुकून देते हैं कि पिंपल ढक जाते हैं, लाइक हाइड हो जाता है, थोड़ा काम भी करते हैं शायद। मैं अब घर जाके आपके साथ वो पैकेज सा शेयर करूँगी कि कौन से है वो। कॉरेक्स ब्रांड है शायद, अमेजोन से लेती हूँ मैं। एक तो है वाइट रेड पैक और एक ब्लैक। जो रेड है वो थोड़े मोटे हैं, जो ब्लैक है वो बहुत ज़्यादा थिन है कि आप मेकअप के नीचे भी पहन सकते हैं और वो दिखते नहीं हैं। सो यार ये हमारा सैर का रूट है, मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी आपको दिखाया है, पर ये आज मैंने आपको दिखाया है। होप आपको ये हमारा सैर का रूट अच्छा लगा होगा। यस मज़ा आता है, और मैं आउट ऑफ ब्रेथ हूँ क्योंकि मैं थोड़ा जॉग करने की कोशिश कर रही थी। सो यार ग्रैंड मा लिव्स हियर, ओके देन नोबडी लिव्स हियर, लेट्स गो। शाम हो चुकी है दोस्तों और हम जा रहे हैं हमारे घर वापस। सारे पंछी करण वापस चले गए और हम भी जा रहे हैं। लेट्स सर करके आ चुके हैं और ओके किचन की हालत कुछ ऐसी है, मुझे हस्बैंड के लिए प्रिपेयर करना है लंच एंड इसको करना है क्लीन। वैसे मेरा मन है कि कुछ भी नहीं करूँ सो जाऊँ, पर ऐसे मैं सो नहीं सकती हूँ जब तक क्लीन नहीं होता है, मैनू सब्र नहीं आता है। और क्लीन करके मैनू आराम आएगा, भावें जिन्नी भी मैंने तकलीफ हो, जिन्नी भी मैं थकी हुई हूँ, करना ही पड़ा। सो क्लीन करते हैं, पर आज मैं मेरे हस्बैंड के लंच के लिए पुलाव सा बनाने वाली हूँ थोड़ा सा, और हिम्मत का भी खाने के लिए मन है। वैसे तो हमने डिनर कर लिया था तब, पर हिम्मत को अगेन से भूख लगी है, तो जल्दी से नन्ना सा हल्का फुल्का सा पुलाव बनाती थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल के, और हस्बैंड को मैं लंच में वही दूंगी। और पिछले कुछ दिनों से वो सिर्फ सलाद ही खा रहे हैं, पर कल मैं थोड़ा सा पुलाव दूंगी नन्ने से छोटे से डब्बे में, और साथ में दे दूंगी सलाद। सो लेट्स डू दैट दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी रात वाली किचन में। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी रात में मेरी वीडियो बनाई है यहाँ इतनी ज़्यादा। हिम्मत मूवी देख रहा है तो उसकी आवाज़ सुनेगी आपको। सो क्लीनिंग मैं बाद में करूँगी, पहले मैं राइस को रख देती हूँ, जब तक राइस कुक होंगे तब तक मैं क्लीन करूँगी। मीमी यू हैव टू गेट मी 1 red onion 1 potato। ओके कुछ दिन पहले मेरे कज़न आए थे तो फूड के जो मैंने जिसने सर्व किया वो यहीं पर घूम रहा है अभी तक, इनको मुझे ठिकाने लगाना है। I don't wanna let you down. It's the only thing I think about every morning. You know my life ain't figured out, but I promise if you stick around it'll never get boring. We'll spend nights, cheap red wine, look
get flats even though we can't afford them. I don't wanna let you down. I don't wanna lose you now. Will you stay even when you wanna walk away? When times get bad, we can learn to love what we have. I don't wanna let you down. So, राइस को मैंने तड़का लगा दिया है और राइस कुक हो जाएंगे और मुझे बाल बांधने के लिए कुछ मिला नहीं और मैंने काम शुरू कर लिया था। वैसे मुझसे ऐसे काम होता नहीं है। सैलड भी ऑलमोस्ट मैंने काट लिया है, अब इसमें ऐड किया जाएगा। क्या ऐड किया जाएगा? और लेटस, थोड़ी सी लेटस ऐड करूँगी। तो थोड़ी सी रोमानियन लेटस ऐड करूँगी मैं। तो वैसे बहुत बार होता है कि हस्बैंड सिर्फ ये सैलड खाते हैं, इसमें मैं थोड़े से नट्स ऐड कर देती हूँ, सैलड नट्स, पर आज मैं थोड़े से राइस दूंगी उनको। लाइक पुलाव छोटू से डब्बे में डाल दूंगी, इसमें डाल देंगे थोड़े से। सो जब तक राइस कुक होते हैं मैं क्या करूँगी, बर्तन साफ कर लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है। दोस्तों आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा। अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें। और बिल्कुल मत भूले, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। ओके, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बाय।